जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सराय टीम में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी नई अपडेट के साथ आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी कार्यकर्ता की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। हर जिले में, हर विकासखंड में निकली हुई है। तो मैंने समय पहले वीडियो बना दिया था, लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट थे आवेदकों की, सर हमको जो फॉर्म है वो कहाँ पर मिलेगा और कहाँ पर हमको जमा करना है वो हमें बताइए। इस वीडियो में अपना वो बात करने वाले। दूसरे हमको बता दें किस किस आपको उसमें जो विकास खंड है किस जिले में वैकेंसी निकली हुई वो आप एक बार देख लो यहाँ पर, और आप लोग यहाँ पर जमा कर दें आप तो। और कुछ कमेंट सर आवेदन कब तक जमा करना हमको, ये भी कुछ कमेंट था। तो आज वीडियो हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए नए आए तो आप लोगों से हमारा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारी है इन्फॉर्मेशन है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई थी कार्यालय संभाग संयुक्त संचालक महिला बाल विकास द्वारा निकाली गई थी, इसके जो आवेदन है देखिए कब तक जमा करना है महिलाओं को बता दूँ आप लोगों को। वैसे जो माता बहनों के आवेदन होने वाले हैं इनके जो आवेदन जमा करना पड़ेंगे 25 अगस्त, यहाँ पर देख रहा है आप लोगों को 25 अगस्त, यानी आप लोग 25 अगस्त तक आप लोग जमा कर सकते हैं। आपके पास अभी बहुत टाइम है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जमा करना आपको 25, अच्छा कहाँ पर जमा करना है वो देख लो वीडियो। तो यहाँ पर आपके जो विकास खंड होगा या तहसील होगी या जिला होगा वहाँ पर जो भी एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय होंगे जहाँ पर आंगनबाड़ी के हेड ऑफिस होते हैं वहाँ पर आपको जमा करना हो, वहीं पर आपको आवेदन मिलने वाला है। जो आवेदन मिलेगा ब्लैंक आवेदन वो वहीं से मिलेगा, और कहाँ कहाँ मिलेगा जिस जिस जगह पोस्ट खाली है वो पोस्ट खाली वो इसमें देख लो आप, उसी जगह आपको मिलेगा। फिर वहीं पर आपको जो भी आपके समझ डॉक्यूमेंट होंगे क्वालिफिकेशन के, आपके प्रूफ के प्लस अनुभव के होंगे, तो आप लोग वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा कहाँ पर होंगे किसके ग्राम में देख लो, ये लिस्ट मैंने बता दी थी पहले, हालांकि तो एक बार देख लेते हम कौन कौन जगह निकली हुई थी यहाँ पर। तो यहाँ पे टिक टोटल हम बात बात पद की बात कर रहे हैं तो जो 46 पद थे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के निकले हुए थे, और 103 पद निकले थे सहायिकाओं के, और 2 पद यहाँ पर निकले थे मिनी कार्यकर्ताओं के। ठीक है, किसके उसमें निकले थे देखिए, यहाँ पर बैरसिया में निकला हुआ था, आप पढ़ सकते हैं बाल विकास, यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा उसका फॉर्म मिल जाएगा, यहीं पे आप लोगों को जमा करना है। ठीक है ना, और आपका जेपी नगर में निकला था, ये भी उसी के अंदर आता है भोपाल के अंदर, गोविंदपुरा में निकला हुआ था जो उसका बाणगंगा में मोतिया पार्क में। ठीक है, ये आप देख रहे खुजनेर में, राजगढ़ जिले की बात करें नरसिंहगढ़ में, राजगढ़ में, सारंगपुर में, सुटियाल सुटियाला सुटियल और सुतानिया में। ठीक है, और यहाँ पर यही हम बात करें आस्टा में, आस्टा में, बुधनी में, दोहरा में, जावरा में, इच्छावर में, तो आप लोग ये देख लें पूरा। ठीक है, सीहोर में, नरसुनलागंज में, गंज बावदा में, ठीक है, गंज बावदा 2 में, कुरवाई में, 11 फोर में, नटेरन में, विदिशा में, लटेरी में, ठीक है, सी सरौंज में। तो ये जो पोर्टल पाते ये मध्य प्रदेश में जगह खाली थी यहाँ पर, तो यहीं पर आप, ऐसा नहीं कि सभी में, लेकिन आपको जहाँ पर जो नाम शो कर रहे हैं वहीं पर आपको जाना बाल विकास में जो अकायल है वहीं पर आपको पूछना है। ठीक है, वहीं पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो आप लिस्ट में देख लें आप लोग और चले जाएँ, आप लोग आवेदन कर दें, क्योंकि इसमें जो पद खाली है यहाँ पर वैकेंसी यहाँ भर्ती होने वाली है, क्योंकि सैलरी भी यहाँ पर आपकी बढ़ चुकी है, बढ़ी है और बढ़ने वाली है आप लोगों की, तो बढ़िया कहीं ना कहीं आप लोगों को जो माता बहनों को यहाँ पर मिलने वाला। और एजुकेशन की बात करें तो आपने 10वीं 12वीं भी ग्रेजुएशन किया हो उस आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम आपको मिलती रहे। ओके, तो थैंक्स।